Good morning, student. How's you all? I hope you all are good. सब लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए. Don't play in open garden. कभी भी खुले गार्डन में मत खेलने जाइए, ठीक है? अपना ध्यान रखिए. जैसा कि हम लोगों ने वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक ईटिंग राइट, खाने का सही तरीका जो है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. आज हम लोग जानेंगे फैट्स का क्या रोल है हमारे बॉडी में, ठीक है. फैट्स क्या होते हैं, उसका क्या रोल होता है. फैट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोटापा, ठीक है. तो ऐसे कौन से खाने होते हैं जिसमें ज़्यादा फैट पाया जाता है, जो हमें जल्दी मोटा करता है, ठीक है. मोटापा बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को. ये मत सोचिए जो दुबले पतले हैं तो अब कल से वही यही सब फॉलो करें. तो फैट्स क्या होते हैं, दे मेक्स आवर फूड टेस्टी. हमारे खाने को क्या करते हैं, ये बहुत ही टेस्टी करते हैं. दे आर एनर्जी गिविंग फूड, ये भी क्या होते हैं, एनर्जी देने वाले फूड होते हैं. दे प्रोवाइड अस विथ डबल द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. एक्स्ट्रा फैट गेट्स स्टोर इन द बॉडी एंड मेक ए पर्सन ओवरवेट एंड ओबेस. देखिए क्या करते हैं, ये फैट जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से दो गुनी मात्रा में हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. अब सोचिए, कार्बोहाइड्रेट से दो गुनी मात्रा में हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है. तो हमें, अगर हम फैट लेते हैं तो उतना वर्कआउट करें, उतना हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करें, ताकि जो एक्स्ट्रा वेट है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में स्टोर ना होने पाए. ये क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. अगर उसका यूज़ नहीं हो पाता है तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है फैट में, चर्बी जिसको बोलते हैं, चर्बी में. और वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के आउटर स्किन पे, इनर स्किन पे किनारे जाके चिपकने लगते हैं. और वो क्या करते हैं, वो हमारे ओवरवेट करने लगते हैं हमारी बॉडी को, हमारा वज़न बढ़ाने लगते हैं, ठीक है. जैसे अगर आपके आपके बॉडी में, आप देखिएगा, मैं एक ट्राई बोलता हूँ, आप कुछ बिना खाए अपना वेट कीजिएगा, ठीक है. और फिर एक बार 5 केले 6 केले बनाना खाने के बाद अपने बॉडी को वेट कीजिए, या भरपेट खाना खाने के बाद अपनी बॉडी का वेट कीजिएगा, तो दोनों में डिफरेंट आएगा. आपका पहले का वेट और दूसरे वेट में बहुत डिफरेंट रहेगा. आपका सेकेंड टाइम जब आप वेट करेंगे तो देखेंगे आपका वेट इंक्रीज हो गया, मतलब कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है. तो हमारी बॉडी वर्कआउट करती है, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे एनर्जी हमारी जितना खाते हैं उतना मेंटेन होता है. मोटे लोग कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, खाते तो ज़्यादा है, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे घी हो गया, ऑयली चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन वर्कआउट नहीं करते, आलस दिखाते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं. तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है, स्टोर हो जाएगी, कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगी, कहीं नहीं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में. तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी ओवरवेट करने लगती है, ज़्यादा भारी होने लगता है, मतलब कि मोटा होने लगता है, भारी होने लगता है, ठीक है. तो जो बीइंग ओवरवेट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो हम लोग का जो ओवरवेट होना है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है. तरह तरह के बीमारियां होने लगेंगी, हम भाग नहीं पाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है. वैसे तो मैं भी मोटा हूँ, मुझे भी अब लग रहा है कि स्टार्ट करना पड़ेगा. मैं सिखा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे भी लग रहा है करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है. लेकिन मैं करता हूँ, मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, ठीक है. तुम लोगों ने देखा है, तो अपनी क्लास में भी हैं कुछ बच्चे जो खूब खाते हैं और वर्कआउट बहुत कम करते हैं. एक है, वो क्या नाम है उसका, आदित्य मिश्रा, खाने को तो खूब खाता है लेकिन वो वर्कआउट नहीं करता, तो वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा वो, अगर वर्कआउट नहीं करेगा. तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ओवरवेट करने लगते हैं, ठीक है. और लेकिन एक चीज़ होता है, जो
फैट होते हैं ना, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ओवर वेट करते हैं। बट ठंडियों में बड़ा मदद आता है, जो मोटे लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ठंडियों में थोड़ा सा कम वो होता है। किसमें ये पाते हैं सबसे ज़्यादा, कौन सा इसमें ऑयल्स वाली चीज़ें हो गई, घी, बटर, मिल्क, मीट, ग्राउंड नट्स, मूंगफली वगैरह जो हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, क्या काम है, द वर्ड जो इसमें द वर्ड है वीटा, इट मीन्स होता है कि लाइफ। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले फूड होते हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या कमी है, क्या क्या वो चीज़ें हैं, उसको हम ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। हमारी बीमारियों से किससे प्रोटेक्ट होना है, बीमारियों से। ठीक है, बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विथ डिसीज़। डिसीज़ मतलब होती है बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ जो होती हैं, फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो विटामिन होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें फाइट करते हैं, फाइट करना सिखाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी को कंप्रेस करते हैं कि फाइट करे, कि ताकि बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। सोचिए, अगर आपके अंदर विटामिन नहीं होगा तो अगर आपको फीवर होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा वो। फिर इस अगर आपका फीवर जल्दी ठीक नहीं होता तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन की कमी है। ठीक है, फ्रेश फूड, अच्छा ये किस में पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश फ्रूट्स हो गए, जो भी ताज़े फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें फिश एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन्स। ये जो मिल्क हो गया, इसमें भारी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक गिलास दूध पी लें तो हमारे अंदर विटामिन आ गया और हम दिन भर खाना नहीं, ये हमारी बॉडी में चाहिए तो, लेकिन ये नहीं कि इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। इट मीन्स कि सिर्फ विटामिन ही लेने से हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें इसके साथ साथ अपने जो डेली मील होते हैं, कभी भी देखना, पहले के लोग कहते थे, कहावत कहते थे कि भूखे पेट नहीं सोना चाहिए या भूखे नहीं रहना चाहिए। कभी भी घर से निकलें तो अपना घर का खाना खा के ही निकलें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और जो काम के लिए हम निकलें उसमें हमारा मन लगा रहता है। ठीक है, रात को इसलिए खाना चाहिए कि रात में दिन भर का किया हुआ जो रहता है, खा के जब सुबह जब हम अपना मील लेते हैं, खाना लेते हैं, दोपहर में लंच लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी दिन भर वर्कआउट करती है, कोई ना कोई काम करती रहती है, तो वो पूरा एनर्जी बैलेंस्ड हो जाता है। तो फिर रात में भी हमारी बॉडी वर्क करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले वाले लेक्चर में, हमारी बॉडी दिन रात काम करती है। ठीक है, रात में भी ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी नहीं काम करती है, ब्रीथ करती है हमारी बॉडी, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो हमें क्या करना है, हमें रात को खाना इसलिए खाना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो वो, ताकि हम रात में अच्छे से नींद आ सकें, हम अच्छे से स्लीप कर सकें। वैसे तो डॉक्टर ये कहते हैं कि हर इंसान को एटलीस्ट 6 से 7 घंटे प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए अपनी, ठीक है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बढ़िया से सोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ चार्ट दिए गए हैं विटामिन के, तो इसमें क्या है, विटामिन ए क्या होते हैं, ये किस में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए जो होते हैं ये किस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऑरेंज में, येलो एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में, उसके बाद कैरेट में, पम्पकिन में, एप्पल में, राइप मैंगो में, एग में, मतलब कि पके हुए आम में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए बनाया गया है, फिश में भी होते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या करते हैं, प्रिवेंट कैंसर, हमें कैंसर से होने वाले बीमारियों से बचाते हैं, हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कर सके, इसलिए ये उसको सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी ठीक से काम कर सके, हम ठीक से चल सके, खेल सके, कूद सके, इसके लिए हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं विटामिन ए के जो बेनिफिट होते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन विज़न, हमारी जो आँखों की रोशनी होती है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। प्रिवेंट्स यूरिन स्टोन, जिनके यूरिन में स्टोन्स होते हैं, जिनके यूरिन स्टोन्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, घटाते हैं ये।
ठीक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करते हैं, ठीक है, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारे मसल्स को ग्रोथ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की कैपेबिलिटीज़ को घटा देते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो, एंटीऑक्सीडेंट ना हो हमारे बॉडी में, इसके इसकी जो कैपेबिलिटी उसको घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे दूसरा आता है विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, ब्राउन राइस में, ग्राउंड नट में, फिश में, ठीक है, इन सब चीज़ों में, मीट वगैरह में, काजू में, इन सब में, मिल्क में, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई। एक तो सबसे पहले ये क्या करते हैं ना, हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो मैंने फैट बताया था, उसको ये कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं फैट को, ठीक है, और हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर सके। इसके बेनिफिट क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर सके, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। पहले तो दिन भर इनर्जेटिक फील करेंगे हम, विटामिन बी अगर खाएंगे तो पूरे दिन हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगा, ठीक है, हमारे हमारा मूड अच्छा रहेगा, हमारे दिमाग हमारा जो दिमाग है वो तेज़ होगा, हमारे जो स्किन है इसको बूस्ट करेगा और हेयर को भी बूस्ट करेगा, हेल्दी रखेगा, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाएगा, ठीक है, और ये जो हमारे जो रेड ब्लड कार्बो सेल होते हैं इसको भी ये बढ़ाते हैं। मैंने बताया था आपको दो तरीके कार्बो सेल होते हैं, वाइट ब्लड कार्बो सेल एंड रेड ब्लड कार्बो सेल, तो ये रेड ब्लड कार्बो सेल को बढ़ाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से काम करे उसके लिए भी काम करे। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कि मम्मी ने दिया 10,000 रुपये, ठीक है, आपसे बोला कि जाओ आप स्कूल पे फीस जमा करके आओ या फिर कुछ खरीद के आओ, और वो आपसे रास्ते में खो गया, तो फिर उस टाइम क्या होता है, हमें बहुत अचानक से डर होने लगता है, घबराहट होने लगता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम उस समय पूरी तरीके से हिल चुका रहता है, मतलब कि वो ठीक से काम नहीं करता, हम सोच नहीं पाते कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, अचानक से सांप देख लेते हैं या कोई चीज़ रहता है तो एकदम डर जाते हैं, नर्वस सिस्टम फिर वहाँ पे फेल हो जाता है, काम नहीं करता ठीक से कि क्या है क्या नहीं होगा, सोच नहीं पाते, तो वो ऐसी चीज़ें ना हो, हमारा माइंड शार्प काम करे, ठीक है, उसके लिए हमें विटामिन बी, हमारे दिमाग तेज़ी से काम करे, तेज़ हो, मेमोरी हमारी बढ़े, इसके लिए हमारे हमें विटामिन बी लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे जो खट्टे फल होते हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं इसको, तो ये क्या करते हैं, खट्टे चीज़ें जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टोमेटो, आंवला, ये सब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ब्रोकली में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, कीवी फ्रूट में, पपाया में, स्ट्रॉबेरी में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी, इन सब सारी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी बहुत बढ़िया होता है, देखिए उसके अभी कोरोना जब फैल रहा था ना, तो बहुत लोगों के क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम से गिर गया था, तो उसके लिए डॉक्टरों ने बताया था कि आपके अंदर विटामिन सी होना चाहिए भरपूर मात्रा में, बहुत सारे डॉक्टरों ने विटामिन सी की टैबलेट को भी रिकमेंड किया था कि आप विटामिन सी की टैबलेट लेते रहें जिससे आप जल्दी सही हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी मेमोरी को तुरंत एकदम तेज़ बनता है, ठीक है, आयरन को बढ़ाता है, ठीक है, और क्या करता है, हमारे जो जो हार्ट में होने वाले लोअर रिस्क जो होते हैं हमारे, मतलब छोटा मोटा जो दिक्कत होती है हार्ट में, उस बीमारी को ये रोकता है, बढ़ाने से रोकता है, ठीक है, हमें कॉमन कोल्ड, जैसे हमारे जो कोरोना में जो लक्षण थे, कोल्ड ही तो थे ना लक्षण, लोगों को सर्दी होता था, जुकाम होता था, तो जिनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में थे ना विटामिन सी, तो उनको वो जल्दी ठीक हो गए, ठीक है, हमारे ये हमारे अंदर एंटी ऑक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी करते हैं, मतलब कि स्किन को ग्लो कराएगा, स्किन हमारी टाइट होगी,
हमारी स्किन पे कोई दाग धब्बे नहीं रहेंगे, अच्छे से ग्लो करेगा। तो विटामिन सी इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे डॉक्टर जो मतलब जो लोग जाते हैं डॉक्टर पे, जिनके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे होने लगते हैं, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं नींबू अपने चेहरे पे लगाने के लिए, क्योंकि नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। वो क्या करता है, वो हमारे स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं ना, जो भी पिंपल्स वगैरह हैं, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो विटामिन सी बहुत हर तरीके से हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा देखिए, ये हम लोग पढ़ लिए, इस ये जो मैंने चार्ट बताया था आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने चार्ट पहले तो इसको अपने नोट्स में, इसको अपने क्या कहते हैं नोट्स बुक जो है आपका, उसमें आप लोगों को इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, और ये जो चार्ट है ना, इसको याद करना है, आपको लर्न करना है। ठीक है, इसको याद करना है कि विटामिन ए में क्या क्या पाया जाता है, इससे यूज़ क्या क्या, इसके मेन यूज़ क्या क्या हमारी बॉडी में, विटामिन बी में क्या क्या पाया जाता है, इसके जो मेन यूज़ हमारी बॉडी में क्या है, विटामिन सी में क्या क्या पाया जाता है, इसके जो मेन यूज़ है उसको, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है और उसको फैट्स के नोट्स को हमारे कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, लिखने के बाद जो हमारा हमारे आपके स्कूल की तरफ से आपको जो एप्लीकेशन मिला है अकेडमिया, वहाँ पे बहुत अच्छा फीचर्स है, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने होमवर्क को। ठीक है, वहाँ पे अपलोडिंग फाइल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। ठीक है, तो इसको लिखना है और उसको वहाँ पर सबमिट करना है, ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। उसके बाद यहाँ पर कुछ विटामिन से रिलेटेड कुछ क्विज दिए गए हैं, उसको हमको इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको राइट डाउन करना है, लिखना है और इसके आंसर्स भी लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे दो एक्सरसाइज में आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को करके अपलोड करना है। ठीक है, वहाँ पे तो ये हो जाएगा ना सबसे, हाँ सबको ये चीज़ कर लेना है और उसको अपलोड करना है वहाँ पे, ताकि वो चीज़ें चेक हो सके। मैंने देखा है आप लोग ऑनलाइन क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं बता दूँ आप लोग को कि स्कूल अभी बंद है, तो ये हम लोग के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है ना ऑनलाइन का, इसकी यूज़ को समझिए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया छोड़िए, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लास को रेगुलर कर दिया गया है, मतलब कि आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो करोना से हम बचे हैं, घर पर हैं, तो आखिर बचे हैं और हमारी पढ़ाई भी जा रही है, फिर क्या मतलब है। एटलीस्ट जितना कोशिश हो रहा है, आपका विद्यालय आपके लिए जितना प्रयास कर संभव है उतना प्रयास कर रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग इसको सीरियसली टेक करें। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, इसको समझिए और अपने होमवर्क के प्रति ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, इसको लिखना है आपको, सबमिट करना है, इसको दिखाना है आपको। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं फिर कल चेक करूँगा कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और कितने बच्चों ने इसको किया। ये दोनों एक्सरसाइज हो जाना चाहिए, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग को करना है अपने नोटबुक में। ठीक, तो हम लोग फिर से कल अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन क्लास का पूरा फ़ायदा उठाइए। ओके, थैंक यू क्लास।